एक तो होता है 2AC5200 एंड 2AC1943 ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर और दूसरा होता है TDA7294IC एम्पलीफायर। 2AC5200 एंड 2AC1943 ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को TDA7294IC पावर में कभी भी हरा नहीं सकता। इस टाइप के ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की पावर में कोई भी टक्कर नहीं दे सकता। पर एक चीज़ है जिसमें TDA7294IC का परफॉर्मेंस लाजवाब है। इस चीज़ में TDA7294IC इस टाइप के ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को बहुत ही अच्छी तरीके से टक्कर दे सकता है। अभी एक चीज़ क्या है वो तब को वीडियो पूरा देखने पर ही पता चलेगा। तो पहले 12 पीस रेजिस्टेंस है 10 के क्वार्टर वाट में। इस बोर्ड में सारे रेजिस्टेंस क्वार्टर वाट में लगेंगे। 10 पीस रेजिस्टेंस है 22 के क्वार्टर वाट में। 4 पीस रेजिस्टेंस है 680 ओहम क्वार्टर वाट में। 1 पीस रेजिस्टेंस है 1.5 के क्वार्टर वाट में। 2 पीस डायोड है 1N4148। 4 पीस कैपेसिटर है 0.1 UF 50 वोल्ट में। 8 पीस कैपेसिटर है 22 UF 50 वोल्ट में। 2 पीस 2 पिन 2.54 mm सॉकेट है ऑडियो इनपुट के लिए। 4 पीस कैपेसिटर है 0.47 UF हम यहाँ पर 250 वोल्ट में लगा रहे हैं पर आप यहाँ पर सिर्फ 50 वोल्ट का भी लगा सकते हैं। 4 पीस 6.3 mm वर्टिकल PCB टर्मिनल वाले स्पीकर आउटपुट के लिए। 4 पीस IC है TDA7294। 1 पीस 3 पिन स्क्रू टर्मिनल है ट्रांसफार्मर इनपुट के लिए। 1 पीस ब्रिज रेक्टिफायर है GBJ2510। 2 पीस कैपेसिटर है 10000 UF 50 वोल्ट में। इसको हम हीट सिंक लगाने के बाद लगाएंगे। और 1 पीस LED है 3 mm का जिसको हम लगाना भूल गए थे तो इसको भी हम बाद में लगा लेंगे। इस बोर्ड के लिए रिकमेंडेड ट्रांसफार्मर आएगा 24024 10 एम्पीयर में। हमारे पास अभी 24024 का ट्रांसफार्मर नहीं है तो हम यहाँ पर 30030 के ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं। बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं कि TDA7294IC में 30030 के ट्रांसफार्मर चल पाएगा या फिर नहीं। तो TDA7294IC में आप 30030 के ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकते हैं पर थोड़ी सी टाइम के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वोल्टेज जा रहा है जिसके कारण IC ओवरहीटिंग होगा और ओवरहीटिंग के कारण IC जल जाएगा। मैं बस आपको यहाँ पर दिखाने के लिए 30030 के ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहा हूँ, बाकी मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। आप यहाँ पर 24024 के ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकते हैं, उससे आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। क्योंकि इस बोर्ड में पैरेलली 4 IC का यूज हो रहा है तो इसलिए हो सकता है कि जब आप इस बोर्ड को ऑन करेंगे तो इसमें ग्राउंड डिस्टॉर्शन के कारण हमिंग प्रॉब्लम भी आ सकता है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि ट्रांसफार्मर का जो 0 वोल्ट वाला वायर है उसको आप इन दो पावर कैपेसिटर के बीच में सोल्डरिंग कर दें, जिससे कि यहाँ पर ग्राउंड डिस्टॉर्शन होगा भी तो आपको यहाँ पर हमिंग प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। और यही प्री एम्पलीफायर जिससे कि हम इस बोर्ड में ऑडियो इनपुट देंगे। इस बोर्ड के लिए हम यहाँ पर 100K का ड्यूल गैंग पोटेंशियोमीटर यूज कर रहे हैं।
इस पोटेंशियोमीटर के आउटपुट में आपको ऐसे दो अलग अलग कनेक्टर वाली वायर लगा लेना है, क्योंकि इस बोर्ड में दो चैनल में आपको दो अलग अलग इनपुट करना है। अभी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि TDA7294IC, TSC5200 एंड TSC1943 ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को पावर में कभी भी हरा नहीं सकते। बट एक चीज़ है जिसमें TDA7294IC इस टाइप के ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को बहुत ही अच्छी तरीके से हरा सकता है, और वो है साउंड क्लैरिटी। TDA7294IC एक प्रोफेशनल लेवल ऑडियो आईसी है। इस आईसी के एम्पलीफायर्स प्रोफेशनल सिंगर्स ऑडियो इंजीनियर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि इस आईसी में सारे फ्रीक्वेंसी बहुत ही अच्छी तरीके से सुनाई देते हैं, कोई भी फ्रीक्वेंसी स्किप नहीं होता है। बट इसी जगह पर 2SC5200 एंड 2SC1943 ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर भले ही आपको पावर अच्छा खासा दे दे, पर इसमें आपको फ्रीक्वेंसी स्किप देखने को मिलेगा, यानी सारे फ्रीक्वेंसी आपको अच्छी तरीके से सुनाई नहीं देगा। इसलिए TDA7294IC इस टाइप के ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर से थोड़ा सा महंगा भी होता है। और अगर आप घर पर बनाने के लिए खुद से कोई एम्पलीफायर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप TDA7294IC से एम्पलीफायर बनाएं। इसमें आपको साउंड क्लैरिटी अच्छा मिलेगा, स्वीट साउंड सुनने को मिलेगा, और ये थोड़ा सा कॉस्टली भी होगा, पर कोई बात नहीं, आपको एक अच्छा ऑडियो एक्सपीरियंस मिल पाएगा। और अगर आप घर पर भी सुनना चाहते हैं और उसको थोड़ा सा आउटडोर में भी यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 2SC5200 और 2SC1943 से एम्पलीफायर बनाएं, जिसका पावर आउटपुट TDA7294IC से अच्छा होगा, और ये आपको आउटडोर में भी और घर में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे देगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो पसंद नहीं आए तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। मैं आपको फिर से मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।